अभी ये जो अपना डिस्कशन है ये है जीएसटी ऑडिट के फॉर्म 9C के ऊपर। जब 9 अपलोड हो जाएगा उसके बाद में वो जीएसटीएन के ऊपर डेटा जाएगा 9 का, और फिर उसमें से भी कुछ फिगर्स 9C में आने वाली है। तो प्रोसीजरियल एस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो पहले अपने को 9 अपलोड करना पड़ेगा, फिर थोड़ा गैप आएगा टेक्निकल इश्यूज जीएसटीएन के, और फिर 9C भी अपने को वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर अपने को ये काम शुरू करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जब देखेंगे तो जीएसटी ऑडिट, ये जो ऑडिट है ये रिटर्न्स भी कई बार हमने फाइल किए अपने क्लाइंट्स के, और वो फाइल करते वक्त 17-18 के अंदर कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उसको अपन ने 18-19 में भी करेक्शन किया है। तो 9 का जो अप्रोच था एनुअल रिटर्न का, ये अप्रोच में अपन ने 17-18 और 18-19 ये दोनों साल को मिक्स करके अपन ने 9 की स्टडी करी। अब ये जो 9C है, ये 9C की स्टडी जब करने की है तो ये पूरे साल का अपना को डेटा लगेगा। जैसे 9 एनुअल रिटर्न के लिए कौन से डेटा पे काम किया था अपन ने, 9 मंथ्स का डेटा। अब जीएसटी ऑडिट के अंदर अपने को 12 मंथ्स का डेटा लेना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको सरप्राइजेस मिलेंगे जो कि हमने ही ऑडिट किए हैं और अब हम ही उसके रिटर्न भर रहे हैं। तो उसके अंदर ये अपने को देखना पड़ेगा कि कितना अपने को इसमें इश्यूज आए, कितने अपने को इसके अंदर इम्पैक्ट आया, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं अपन ने ही कुछ प्लानिंग की है। अब जीएसटी ऑडिट के अंदर ही अपने को सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत फनी सिचुएशन है कि हम ही ने रिटर्न फाइल किए अपने क्लाइंट्स के और हम ही उसका ऑडिट्स कर रहे हैं, और जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस है ऑडिटर के पास में वो तो इमीडिएट उनको इशू क्लियर करके चाहिए। तो ये केस के अंदर हमको ही उसको सब रिजोल्यूशन देने पड़ेंगे जो भी इश्यूज आए उसको। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर जीएसटी ऑडिट। ये जो जीएसटी ऑडिट का जो भी डिस्कशन है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर कि डेफिनेशन ही आई है ऑडिट की, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 है इसके अंदर ऑडिट का डेफिनेशन ही दे दिया है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑडिट ऑफ जीएसटी, जैसा आप कंपनी लॉ का भी ऑडिट करते होंगे, इनकम टैक्स का ऑडिट करते होंगे, तो वहां पर डेफिनेशन नहीं है, पर यहां पर ऑडिट का डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये दिया गया है, एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, यानी हमको रिकॉर्ड्स एग्जामिन करना है क्लाइंट के। तो क्लाइंट के कौन कौन से रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड्स को भी स्पेसिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सेल्स एंड परचेस का क्वांटिटेटिव डिटेल ये मेंटेन रखना है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का। तो ये किसको मेंटेन रखना है, जिसको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए ये मैंडेटरी है। कंपोजिशन स्कीम वालों को ही बोला है कि क्वांटिटेटिव डिटेल्स मत रखो, तो वो भी अपने को चेक करना है। यानी ऑडिट के अंदर अगर कोई क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड नहीं रखता है तो अपने को उसको क्वालिफाई करो या ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा। फिर रिटर्न्स को चेक करना है, तो रिटर्न्स अपने 3B हो गए, GSTR 1 हो गया, जो भी ट्रांसफर हो गए, जो भी फॉर्म्स अपलोड हो गए वो चेक करना, और अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट जो है ये अगर देखते हैं तो इसमें ई वे बिल आ जाता है, पर ई वे बिल 17-18 के लिए ज़्यादा मायने नहीं रहेगा, तो अपने को वो भी चेक करना पड़ेगा अगले साल से। फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये ऑडिट एप्लीकेबल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो 9 है एनुअल रिटर्न, ये नील भी है तो एप्लीकेबल है, पर अपना जो ये ऑडिट है ये 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाता है तो ये एप्लीकेबल है। और इसमें अपने को क्या क्या चेक करना है, टर्नओवर डिक्लेयर। अब टर्नओवर डिक्लेयर मतलब क्या, आउटवर्ड सप्लाईज का टर्नओवर, इनवर्ड सप्लाईज का टर्नओवर, फिर टैक्सेस पेड CGST, SGST, IGST, UTGST, सेस सारा, रिफंड क्लेम अगर कुछ है तो, एंड
इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड यानी ITC जो भी लिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि एंड टू असेस हिज कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेयर देयर अंडर। तो यहाँ पर जो असेस वर्ड है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के रोल में अपने को लाके खड़ा कर दिया है। यानी ऑडिट में तो ऊपर के जो है एग्जामिनेशन रिकॉर्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर टैक्सेस रिफंड ITC अवेल ये तो है ही है, पर बाकी भी असेस करना है कि प्रोविजंस उसने कंप्लाई किए कि नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल कि GST के अंदर अगर रिवर्स चार्ज के अंदर अपने को टैक्स भरना है तो अपने को सेल्फ इनवॉइस बनाना है। अब सेल्फ इनवॉइस बनाए कि नहीं बनाए कई क्लाइंट्स ने, तो वो आप लिखो। फिर इनवॉइस के ऊपर सारे वो 17 फील्ड चाहिए, तो सारे फील्ड है क्या नहीं है, तो वो कंप्लाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है प्रोविजंस, इसके ऊपर भी कमेंट्स करना है। तो इट्स अ वेरी बिग स्कोप ऑफ ऑडिट अंडर GST। अब इसको हम अगर देखते हैं अपने हिसाब से कि ये ऑडिट है कि ओपिनियन है कि सर्टिफिकेशन है, जो 9C जो फॉर्म आया है अपने सबके सामने, ये फॉर्म को अगर अपन देखेंगे तो इसमें एग्जामिनेशन पार्ट आ गया जो अपन ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 से देख लिया। पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। जब अपन इसका पार्ट बी देखेंगे तो पार्ट बी के अंदर अपने को सर्टिफिकेशन भी करना है, ओपिनियन भी फॉर्म करके देने का है, और हमने इसका ऑडिट किया है ये भी लिख के देने का है। तो जो ये फॉर्म है, फॉर्म के आखिरी में पार्ट बी है, पार्ट B1 है और B2 है, तो वहाँ पर ट्रू एंड करेक्ट सेंटेंस आया है। अब अपने को आदत क्या की है, ट्रू एंड फेयर, अब ये आता है ट्रू एंड करेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो गया कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो जानी है वो करेक्ट ही जानी है। और सबसे मेन आखिर में दिया है नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड, यानी नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड का मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई गई नहीं है। हमको भी क्लाइंट ने पूरा मालूमात दी है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो कंसील वर्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम आया है कोई भी ऑडिट के कंसेप्ट में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसको सीधा सीधा आप आपके ऑब्जर्वेशंस में ले लो, या टेस्ट चेक बेसिस पे किया होगा तो वो लिख दो, क्योंकि कंसील वर्ड आने से हम कोई चीज को लाइटली नहीं ले सकते। तो जो भी आप ऑडिट में क्वालिफिकेशन देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर और सही मायने से देखे जाए, तो GST ऑडिट में हमको ये क्वालिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस या सजेशंस डालना जरूरी हो जाएगा। और रही बात आखिर में, तो ये अपना ऑडिट का स्टैम्प तो है ही है, इसको डिजिटल सिग्नेचर से बाद में अपलोड करना है, तो अपने GSTN नेटवर्क पे ऑडिटर की डिजिटल सिग्नेचर भी अपलोड करनी पड़ेगी, और फिर वो साइन करके ये फॉर्म जाएगा, फिर मैन्युअली भी हमको इसको प्रिंट करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो इसको पूरा देखने के बाद में ये मालूम पड़ता है कि यू कैनॉट कंसील एनी थिंग इन GST ऑडिट। जो भी आपके सामने आया है उसको आपको जस्टिफाई करके प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी जस्टिफिकेशन है ये अपने को करेक्ट और कंप्लीट चाहिए। अब आखिर में ये है कि UDIN, ये UDIN क्या है पता है, अपने ICAI ने इसका एक नंबर जनरेट करते हैं सर्टिफिकेशन का। तो GST ऑडिट के ऊपर अपने को जो भी 9C बनेगा उसका UDIN जनरेट करना पड़ेगा, जो भी पार्टनर साइन कर रहा है उसके नाम से वो UDIN जनरेट करना पड़ेगा, और अपने मैन्युअल जो प्रिंट आउट है जिसके ऊपर हम साइन करने वाले हैं, और इसको अपने को मेंटेन रखना पड़ेगा। हो सकता है जो GSTN नेटवर्क पे अपलोड हो रहा है उसमें नहीं जाएगा। अब कोई लोग ये बोल रहे हैं कि हम UDIN जनरेट कर लेंगे, ऑब्जर्वेशंस में हम डाल देंगे, तो वो कर सकते हैं वो नंबर डालने का, पर अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो भी मैनुअल साइन करके दूंगा फिजिकल कॉपी उसके ऊपर ये UDIN आना जरूरी है। अब अपन देखते हैं कि 9 और जो 9C है इसके अंदर क्या खासियत है। 9 ये अपना नॉर्मल रिटर्न था एनुअल, 9C यू कैन नॉट कंसील्ड,
तो बहुत ध्यान से अपने को करना है. ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड, जो कंसेप्ट थी वो गई. नाउ ही इज अ ब्लड हाउंड हियर. अब 9 और 9C का जो भी डिफरेंस है वो ये है कि 9 एनुअल रिटर्न है, ये सबको भरना जरूरी है. 9C जो है ये 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो ही एप्लीकेबल होता है. और 9C ये करेक्टनेस और कंप्लीटनेस देगा. 9 ये जस्ट इंफॉर्मेशन देगा. जैसे फॉर एग्जांपल HSN कोड परचेजेस का, ये कहाँ पूछा है? 9 के अंदर. टेबल नंबर 16 के अंदर पूछे है. टेबल नंबर 19 तक अपने को देना है, 18-19 के अंदर. अब जब हम ये इंफॉर्मेशन देंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है. पर 9C के अंदर अगर कुछ अगर पूछा है और उसमें अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो अपने को तुरंत रिमार्क्स में डालना जरूरी है. और ये जो 9 और 9C है, इसका अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस ये है कि 9 के साथ में कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है एनुअल रिटर्न के साथ, पर 9C के साथ में फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपलोड करना है. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये अपलोड करना है. तो ये जो PDF फॉर्म में जो अपलोड करना है, ये 9C जब बन जाएगा, जोसन फाइल बन जाएगी, उसको अपलोड करने जाएंगे तब ये एक्टिवेट हो जाएगा. और उसके साथ साथ कुछ GST ऑडिट के भी नोट्स होंगे तो वो भी अपन बना सकते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, और वो भी आप अपलोड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है मेरे ऑडिट के साथ में ये डेटा अपलोड करने का. तो ये भी एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट फाइल 9 एंड देन गो फॉर 9C. अब हम देखते हैं फॉर्म नंबर 9C इन पार्ट्स. अब ये जो फॉर्म है उसका ओवरव्यू अपन लेंगे 9 का. 9 को जब डिवाइड करते हैं अपन एक अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तो ये पार्ट ए आता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और पार्ट बी आता है सर्टिफिकेशन. और पार्ट ए के अंदर क्या है? रिकंसिलेशंस विथ रिटर्न्स, जो अपना आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, वो है. और फिर बाद में रिकमेंडेशन फॉर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी. और पार्ट बी जो है इसके अंदर B1 और B2, ऐसे 2 पार्ट है. B1 कब होएगा? जब कंपनी का ऑडिट भी हमने ही किया है और उसका GST ऑडिट हम ही कर रहे हैं, या टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स का हमने ही किया है वो पार्टनरशिप फर्म का, और हम ही उसका GST ऑडिट कर रहे हैं तब. और B2 कब आएगा? जब किसी और ने उसका ऑडिट किया है स्टेटूटरी ऑडिट और हम GST ऑडिटर है, तब ये आएगा. तो थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि पार्ट B1 कब करना है और B2 कब करना है. अब पार्ट A को अगर हम देखते हैं तो इसको और डिवाइड होता है 5 पार्ट के अंदर, और उसके 16 टेबल्स आ जाते हैं टोटल. पहले अपना टेबल 1-4 जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में है. फिर पार्ट 2 जो है इसके अंदर टर्नओवर आ गया आउटवर्ड 5-8 टेबल के अंदर. और पार्ट 3 जो है ये आउटवर्ड का जो टैक्स है वो आएगा. और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिको 12-16 नंबर है. फिर आखिरी के अंदर जो है ये अपना रिकमेंडेशन का टेबल है. अब इसको एक एक करके अपन रिव्यू करेंगे, जो अपने को देखना है कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. अब ये जो पार्ट ए है उसका जो पहला पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले. अब यहाँ क्या फाइनेंशियल ईयर डालेंगे? ये 17-18 ही आएगा. अब 1 अप्रैल से आएगा, जैसा 9 जो था ये जुलाई से लेके अप्रैल का डेटा गया था, मार्च का डेटा गया था. अब 9C के अंदर 1 अप्रैल 2017 टू 31st ऑफ मार्च 2018 आने वाला है. और इसकी नोट्स लेनी पड़ेगी अपने को कि GST ऑडिट के अंदर हमने जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 का टर्नओवर कंसीडर किया है फॉर GST ऑडिट, और यहाँ पर रिकंसिलेशन पर्पस के लिए हमने 12 महीने का टर्नओवर यहाँ पर लिया है. तो पहली ही नोट हर एक 17-18 के GST ऑडिट में आएगी, वो आएगी फाइनेंशियल ईयर की. बाद में आती है GSTN नंबर, ये उसी का आएगा जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं. फिर उसका लीगल नेम आ गया, उसका ट्रेड नेम आ गया,
ज़्यादा हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किसी का कुछ है, वो छूट गया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, कुछ नया ट्रेड शुरू हुआ होगा, कुछ क्वांटिटी ऐड हो गई होगी, तो वो आप नोट्स में ले सकते हैं। और आखिर में जो चार नंबर वाला है वो है आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर एनी एक्ट, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा यस और नो। तो कंपनी ऑडिट कर रहे हैं, इनकम टैक्स का ऑडिट है, ट्रस्ट का ऑडिट है, तो लायबल फॉर ऑडिट, आर यू लायबल फॉर अंडर एनी एक्ट में आप सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। नहीं है तो मतलब हम उसका जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं। अब ये केसेस कब आएगी, जैसा किसी की ब्रांच है, महाराष्ट्र के अंदर ब्रांच है और उसका एमपी में हेड ऑफिस है, तब उसका ऑडिट कहाँ होएगा कंपनी का, वो होगा एमपी के अंदर पूरे इंडिया के टर्नओवर का। सिर्फ महाराष्ट्र में जीएसटी नंबर काय के लिए लिया है, उस ब्रांच के लिए लिया है। अब ब्रांच का तो कोई अलग से स्टैट्यूटरी ऑडिट होने वाला नहीं है, तो वो जो ब्रांच का ऑडिटर है जीएसटी का, वो खुद वो सर्टिफिकेशन देगा ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ दैट स्टेट। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन देते वक्त जो भी डिस्क्लोजर देंगे वो हमको वहाँ पर मेंशन करना है कि 17-18 का हम ऑडिट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने जुलाई से लेके मार्च का डेटा यूज़ किया है फॉर ऑडिट। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ रह गया है तो उसका भी डिस्क्लोजर हमने नोट्स में दे देना चाहिए। नाउ वी कम डाउन टू द पार्ट टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये जो पार्ट टू है, ये जो 3B गए, एनुअल रिटर्न गया, उसके बेसिस पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे चेक किए उसमें कहीं रिकन्सिलेशन मिला, तो ये पार्ट का अपना काम शुरू होता है। और ये रिकन्सिलेशन क्यों है, क्योंकि ह्यूमन इज अ एरर और कुछ गलतियाँ हुई होगी, तो वो गलतियाँ अपने को सुधारना पड़ेगा। अब आते हैं हम टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 जो है, इसका ऊपर की हेडिंग आप देखो तो हेडिंग में लिखा है रिकन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर का अपना एक नॉर्मल एक अजम्पशन है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी नेट टैक्स और टोटल, पर वैसा नहीं है। यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो सेल्स है, जो अदर इनकम है, जो मिसलियस इनकम है, या और भी कोई इनडायरेक्ट इनकम डाला होगा, उन सब की टोटल करो और वो फिगर यहाँ पर 5A में आएगी। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा जीएसटी ऑडिट का, ग्रॉस टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अप्रैल 17 टू मार्च 2018, वो यहाँ पर लेना है। और जब यहाँ पर वो फिगर डालेंगे तो इसका रिकन्सिलेशन अपने पास चाहिए, जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हैं उसका P&L आपके पास रहेगा। P&L के अंदर सेल्स की फिगर ऊपर मिलेगी, फिर बाद में नीचे अदर इनकम मिसलियस इनकम की फिगर मिलेगी, वो उस पूरी फिगर यहाँ पर हमको लेना है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है, फिक्स असेट्स का अगर सेल है तो वो P&L में नहीं जाता, क्योंकि वो कैपिटल आइटम हो गया, रेवेन्यू वाले ही आइटम्स यहाँ आएंगे। जो कैपिटल का सेल है, फिक्स कैपिटल असेट्स का, उसको अलग से नीचे डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पर क्या लेना है हमको, P&L अकाउंट की टोटल लेनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम फॉर्म के अंदर जाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट, ये जो भी ट्रांजैक्शन आने वाली है, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट से फिगर लेनी है। जिस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेफरेंस नहीं है उसका लेना नहीं है, मतलब डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जो जीएसटी पर्पस के लिए अलग से टर्नओवर बताया वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आया ही नहीं, क्योंकि उसको वैल्यूएशन है ही नहीं बुक्स में। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफर, एमपी के अंदर हेड ऑफिस है, वहाँ का अपन ऑडिट कर रहे हैं, और महाराष्ट्र का ब्रांच ट्रांसफर है, महाराष्ट्र में जीएसटीएन नंबर है,
वहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है, तो वो महाराष्ट्र के इसमें जाएगी, तो वो एमपी के इसमें नहीं आएगी। तो जो आया ही नहीं है वो अपने को लेना नहीं, पर जो पीएनएल में कंसोलिडेटेड फिगर आ गई तो वो फिगर यहाँ पर आएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि कंसोलिडेटेड देना है, स्टेट वाइज ये देना है, मल्टीपल स्टेट होंगे तो स्टेट वाइज ये टर्नओवर जाएगा। और जिन जिन के पास में स्टेट वाइज ऑडिट्स है उसमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगा, सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर, उसके बाजू में महाराष्ट्र, उसके बाजू में एमपी और फिर और कोई स्टेट है, तो टोटल वो स्टेटमेंट लगेगा और उससे ये 5A को बेस मिलेगा। और फिर वो कंसोलिडेटेड व्यू लेके ही वो ऑडिट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट का हम ऑडिट नहीं कर रहे तो हम नहीं देखेंगे वो स्टेट में क्या है, क्योंकि हमको वो डेटा यहाँ कंसिडर नहीं करना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो उधर टैक्सेबल में गया है या नहीं गया है, उस स्टेट में वो कंसिडर हुआ है या नहीं हुआ है। अब जब ये हम 5A करेंगे तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट नोट्स ये हो गए कि ये रजिस्ट्रेशन वाइज चलेगा, इसको ट्रायल बैलेंस को कनेक्ट करना चाहिए, और ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है या नहीं है, तो सुटेबल डिस्क्लोजर उसने दे देना चाहिए कि वी आर रिलाइड अपॉन दी ऑडिट ऑफ दी अनदर पर्सन, और वो जो भी कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, उसका डिस्क्लोजर वहाँ पर दे देना चाहिए। और अगर मल्टी स्टेट्स है तो मल्टी स्टेट्स का भी डिस्क्लोजर यहाँ पर दे देना चाहिए। अब नेक्स्ट रो हमारे सामने आती है उस टेबल के अंदर, 5B। व्हाट इज 5B? 5B का हेडिंग क्या है? अनबिल रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसको ब्रैकेट में प्लस किया, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर हमने 5A में डाल दी पूरी, अब हमको जब उसको नीचे आना है, 5B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L करते नीचे आएंगे, तो नीचे आ रहा है टर्नओवर एज पर GSTR 9, वो GSTR 9 के टर्नओवर तक हमको रिकंसाइल करना है। अब GSTR 9 मतलब GST का टर्नओवर, अब वो टर्नओवर के अंदर कोई GST लगता है, वो टर्नओवर हमने 9 में ऐड किया है, किसके ऊपर GST नहीं लगता वो 9 में से हमने माइनस किया है, तो वो पूरा रिकंसिलेशन यहाँ मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्या आएगा, जिसके ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया वो आ जाएगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल फिक्स असेट सेल होता है, कहाँ जाएगा फिक्स असेट सेल, रेवेन्यू को आएगा क्या पीएनएल को? नहीं। पर जीएसटी के अंदर हमने उसको टैक्स भरा है क्या? यस। तो वो जो नीचे की रो है एज पर GSTR 9, वहां पर वो फिगर दिखने वाली है, पर 5A में है क्या वो? नहीं। तो उसको ऐड करते 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 हमको वो GSTR 9 तक आना है। तो अब जब हम 5B में आते हैं तो 5B हो गया अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट इज मीन बाय अनबिल्ड रेवेन्यू? अनबिल्ड रेवेन्यू ये बहुत कम केसेस में मिलेगा, ये मिलेगा आपको सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मार्च के अंदर कोई रेवेन्यू है और वो अनबिल्ड रह गया था, फिर अप्रैल के अंदर उसका इनवॉइस बनाया, मतलब उसके ऊपर सर्विस टैक्स हमने मार्च में पे कर दिया था पर रेवेन्यू बना उसका अप्रैल में। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या रेंटल, इसमें क्या होता है, एक महीने के सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है और बिल कवरेज होता है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हो रहा है? वो बिलिंग बेसिस पे, पर टैक्स कब भरा गया उसको? प्रोविजन के बेसिस पे, मार्च में। तो ऐसा कुछ होगा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब अप्रैल 2017 के अंदर, ये बहुत से ऑडिट के अंदर ये जीरो फिगर आने वाली है, जो भी छोटे मोटे ऑडिटेड है, SMEs है, उसमें नहीं आएगा, बड़े बड़े सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर ये इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रख के यहाँ पर फिगर हमको देना है। फिर नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आ गया कि ये जो भी 5B है इसका नोट्स में कवर अप करना जरूरी है, क्योंकि 9C बनाते वक्त इसका जो क्वांटिफिकेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इसके साथ कोरिलेशन करना, ये सब करके ही इसको हमको देखना है। फिर पिछले साल का भी हमको बुक्स देखने पड़ेंगे, तो इसके लिए ध्यान में रखें। अब आते हैं 5C के तरफ, रो। ये रो इम्पॉर्टेंट है
और ये कईयों के केस में आ सकती है. व्हाट इज द वर्डिंग? अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अनएडजस्टेड एडवांसेस मतलब क्या? ऐसे एडवांसेस जिसके ऊपर हमने जीएसटी भर दिया. अब जीएसटी भर दिया तो 9 में आया क्या आपके टर्नओवर में? यस yes. क्योंकि 9 में नीचे आया हुआ है वो. पर अपने पीएनएल में आया क्या वो? नहीं, क्योंकि वो एडवांस है. तो मार्च के एंड में बैलेंस शीट में करंट असेट्स में वो एडवांसेस पड़े हैं और उसके ऊपर हमने जीएसटी भर दिया है. तो ऊपर 5A अपना पीएनएल का आइटम था, अब नीचे हमने बैलेंस शीट से एडवांसेस उठाए और उसको ऐड किया, तो वही एडवांसेस लेने हैं जिसके ऊपर जीएसटी आता है. अब मार्च एंड को जब हम देखते हैं तो गुड्स के एडवांसेस का जीएसटी निकल गया था नवंबर से और सिर्फ सर्विस सेक्टर को ही ये रह गया. तो यानी जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके केस में ही ये दिखेगा और इसको बैलेंस शीट से लेना पड़ेगा. अब बैलेंस शीट में एडवांसेस की फिगर में और भी चीज़ें हो सकती है, तो उसमें से जो जीएसटी वाले एडवांसेस है वही हमको यहाँ लेने के हैं और उसको ठीक से डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस शीट वाला आइटम है. और इसका इफेक्ट क्या होगा? जब नेक्स्ट ईयर का ऑडिट अपन करेंगे तो ये फिगर वो वापस लेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है. क्योंकि इसके इनवॉइसेस कब बने? अगले साल बने, यानी 18-19 में. 17-18 का वो एडवांस था, उसके ऊपर जीएसटी भर दिया और इनवॉइस कब बने? 18-19. तो ये आगे भी रो आने वाली है जहाँ पे बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिलेगा अनएडजस्टेड एडवांसेस. तो अगले साल ये फिगर आगे जाके वहाँ पे बैठेगी. तो 2 साल का इम्पैक्ट आने वाला है ये डेटा डालने से. थोड़ा ध्यान से अपने को इसमें देखना चाहिए. फिर ये जो भी एडवांसेस है इसको रिकंसाइल कर लेना चाहिए जीएसटीआर 1 से, टेबल 11 से. अनएडजस्टेड एडवांसेस है तो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है और ये ऑडिटर का आस्पेक्ट है क्योंकि बैलेंस शीट देखना पड़ेगा अपने को और उस हिसाब से ही हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा. और ये जो भी अनएडजस्टेड एडवांसेस है इसके अंदर अगर कुछ मिलता है, कुछ इम्पैक्ट आता है, तो ये बैलेंस शीट से लेके सूटेबल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेके अपन ने क्लोज करना चाहिए क्योंकि ये प्राइमा फेसिया 3B से, जीएसटीआर 1 से इंफॉर्मेशन मिलेगी पर वो बैलेंस शीट से ही क्लोज होगी. इट विल नॉट क्लोज फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अब जब हम ऑडिट करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर क्या देखेंगे? करंट असेट्स के अंदर एडवांसेस की फिगर देखेंगे ओनली इन द केसेस ऑफ सर्विसेस. अगर गुड्स का कोई एडवांसेस है जिसके ऊपर हमने जीएसटी पे नहीं किया है वो फिगर यहाँ पर आएगी नहीं. तो 5C के अंदर गुड्स के एडवांसेस की फिगर नहीं आएगी, वो कहीं पे भी हमको शो नहीं करना है क्योंकि हमने जीएसटी उसके ऊपर नहीं भरा है. अब आते हैं हम टेबल नंबर 5 के नेक्स्ट, दैट इज 5D. व्हाट इज 5D? 5D जो है ये डीम सप्लाई का है. अब ये डीम सप्लाई थोड़ा सा एक क्लिष्ट विषय है पर ये शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7 से आएगा. यहाँ सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज मीन बाय डीम सप्लाई. अब ये डीम सप्लाई की खासियत ये है कि विदाउट कंसिडरेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन रहने से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आया नहीं है. पर इसके ऊपर जीएसटी हमने भरा है तो नीचे ये 9 के अंदर आया है, 9 के टर्नओवर में आया है, तो उसको हमको ऐड करना है. अब ये क्या क्या रहेगा डीम सप्लाई, तो इसका एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है और ये ट्रांजेक्शन ही डीम सप्लाई में आई है. कौन कौन सी आ सकती है कि फिक्स असेट का डिस्पोजेबल किया है विदाउट कंसिडरेशन, यानी डोनेशन दे दिया कैपिटल असेट, कोई कंप्यूटर है वो डोनेट कर दिया तो वो आ गई यहाँ पर. फिर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सनस है उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में की ट्रांजेक्शन्स है, जैसे 50,000 तक उनको नहीं माफ़ है उसके बाद में वो डीम सप्लाई में ऐड हो जाएगा. प्रिंसिपल और एजेंट के ट्रांजेक्शन्स है वो डीमिंग सप्लाई के अंदर आ सकती है. तो ये डीम सप्लाई अपने को टेबल शेड्यूल 1 देख के, फिर उसका वैल्यूएशन देख के, सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 और ये सारा कंसिडर करके ही आना चाहिए क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पी एंड एल से ये फिगर मिलने वाली नहीं है, पी एंड एल में
5A में ये फिगर नहीं है और अब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान से रखना चाहिए। और CGST के रूल जो है रूल 27-35 इसका भी यहाँ पर कंप्लायंस होना चाहिए। फिर बाद में इसके जो भी फिगर्स हैं वो नोट डाउन करके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 5E। 5E ये क्रेडिट नोट्स का है। आप अगर इसका हेडिंग पढ़ेंगे तो बड़ा ही खास हेडिंग है। क्या है हेडिंग? क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। GST आने के बाद में क्या हुआ था कि मार्च 18 को खत्म हो गया था और सितंबर 18 तक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, ऐसा लॉ है। यानी 17-18 का टर्नओवर है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई, इसको अगर कोई भी चेंज करना है वैल्यूएशन में, रेट डिफरेंस के, डिस्काउंट्स के, टैक्सेस का कुछ इशू है, स्कीम्स है, तो उसके क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते। कब तक इशू करते? सितंबर 18 तक। अब अगर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आया है, यानी 18-19 में वो क्रेडिट नोट बुक हुई है पर एनुअल रिटर्न के अंदर उसका इफेक्ट लिया है, तो 2 साल का डेटा आने वाला है, प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो ये अपने को देख लेना चाहिए कि कितने ऐसे क्रेडिट नोट्स हैं जिनका 17-18 से रिलेवेंस है पर 18-19 के अंदर आए हैं, और वो यही क्रेडिट नोट्स आएंगे जो हमने GST पर्पस के लिए यूज़ किए गए हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और नॉन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट टेबल पे हम आते हैं, ये 5F, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ये कई असेसिस के केस में आपको मिल सकता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। ये P&L के अंदर जो टर्नओवर बताया गया है सेल्स, ये आपको ग्रॉस भी मिल सकता है, नेट भी मिल सकता है, यानी आफ्टर डिस्काउंट। मान लो मेरा कोई टर्नओवर है 5 करोड़ का, अब मैंने डिस्काउंट दिया 10 लाख का, तो मेरा P&L में कितना आएगा रेवेन्यू? 4 crores 90 lakhs आफ्टर डिस्काउंट। या दूसरा मेरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, 5 crore आई विल शो एज अ टर्नओवर एंड 10 lakh आई विल शो एज अ एक्सपेंस, यानी डिस्काउंट। तो P&L में क्या किया है वो अपने को देखना जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसके अंदर, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर GST। नॉट परमिसिबल अंडर GST मतलब क्या कि ये टर्नओवर में से हम माइनस नहीं कर सकते, या इसका हमने इम्पैक्ट लिया है अपने GSTR 9 के टाइम। तो ट्रेड डिस्काउंट विच आर अकाउंटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑन विच GST वॉज लीवेबल बींग नॉट परमिसेबल शैल बी डिक्लेयर हियर। तो हमको ये देखना जरूरी है कि जो सेक्शन 15 है उसमें 2 तरीके के कंडीशन है। एक, जो भी डिस्काउंट है ये प्री एग्रीड होना चाहिए सेल्स के पहले, और जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू हो रही है उसमें टैक्स सेपरेटली बताना चाहिए। अगर टैक्स सेपरेटली बताया तो ही हमारे टर्नओवर में से कम होगा। अब जिसमें टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है, जैसा फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, वो यहाँ पर शो नहीं होगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जो भी जर्नल वाउचर्स या क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स आप डिस्काउंट्स की देखेंगे तो उसमें ध्यान से देखें कि टैक्स सेपरेटली अगर बताया है तो ही यहाँ पर लेंगे, जिसमें टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है तो नहीं लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा कि 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 10 लाख का मेरा डिस्काउंट है। अब ये 10 लाख के जो क्रेडिट नोट इशू करने थे, मैंने इसमें टैक्स सेपरेटली नहीं बताया, क्योंकि पहला साल था 17-18, इसमें बहुत झगड़ा था कि क्रेडिट नोट अलग से बताना है टैक्स उसमें कि नहीं बताना है, इनवॉइस वाइज देना है, और बहुत सारा इशू हुआ था। तो हमको ये देखना जरूरी है कि मैंने 3B के अंदर भी इसको कम किया है क्या वैल्यू को। तो 5 करोड़ का टर्नओवर 10 लाख माइनस होके 4 crore 90 lakh आया है फॉर माय GSTR 9, तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर वो 10 लाख के क्रेडिट नोट पे मैंने टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है तो GSTR 9 में कितना टर्नओवर गया है? 5 करोड़ ही गया है, मैंने 10 लाख माइनस नहीं किए। पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो ऊपर का 5A है, जो फर्स्ट रो है, उसमें हो सकता है कि 5 करोड़ माइनस 10 करोड़ करके 4 crore 90 lakhs आए हैं,
और इसके लिए यहाँ पर ऐड करके बताया है कि यू हैव टू ऐड, तो मेरा टर्नओवर फिर क्या होगा, 5 करोड़, क्योंकि मैंने GSTR 9 में भी कितना लिया है, 5 करोड़, तो ऐसा वो टैली होएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट रो पे हम आते हैं, ये है टर्नओवर एज पर अप्रैल 2017 टू जून 2017। ये सिंपल है पर बहुत ध्यान से देखना है। इसका बैलेंस शीट के अंदर जो रिकंसिलेशन बनेगा उसमें 2 कॉलम डालने पड़ेंगे अपने को। ये टोटल टर्नओवर 17-18 माइनस अप्रैल टू जून, जो बच गया वो मेरा जीएसटी का टर्नओवर है। तो वो जो पहले 3 महीने का टर्नओवर है अप्रैल मई जून, ये मेरे को यहाँ पर लेना है। तो इसको वैट के रिटर्न से भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब महाराष्ट्र के अंदर जैसा जीएसटी ऑडिट था तो 704 भी गया होगा, उससे भी इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और ये फिगर हम भले ही ऑडिट में कंसिडर नहीं कर रहे जीएसटी के, पर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसके लिए इसको माइनस साइन आया है, 5G के सामने माइनस आया है, क्योंकि 5A जो ऊपर आ रहा है ये पूरे 12 महीने का टर्नओवर है, फिर ये 3 महीने का टर्नओवर माइनस होगा तो मेरा 9 महीने का GSTR 9 का टर्नओवर टैली होगा। तो ये थोड़ा सा बुक से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, इसके अंदर अपने रिटर्न्स वगैरह जो होंगे वो भी देख लेना चाहिए, और इसके रिलेटेड नोट्स में GST ऑडिट के इसमें इसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अब 5H ये रिवर्स हो गया, जो क्या लिखा है, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो 5B में हमने देखा था वो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, अब 5H में आ गया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसका रेसिप्रोकल है। मार्च एंड में कोई ऐसे एंट्रीज होंगे अनबिल्ड रेवेन्यू होगा तो वो यहाँ डिक्लेयर करना है। बहुत कम लोगों के केस में आएगा ये, सर्विस सेक्टर के अंदर ये आ सकता है। फिर 5I अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ऊपर जो हमने देखा था एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका ही ये रेसिप्रोकल है एडवांसेस का एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब ये 17-18 का पहला ऑडिट है जीएसटी का, तो यहाँ पर बहुत से केसेस में फिगर नहीं आएगी, सर्विस सेक्टर के केस में अगले साल यहाँ पर फिगर आ जाएगी। कौन सी आएगी, जो ऊपर हमने दिए, जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में दिए, बिल्डर डेवलपर सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में जैसा ऊपर जो फिगर इस साल दी गई है वो 18-19 के ऑडिट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी आय के अंदर। तो ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर बहुत कम रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा उसका रेफरेंस लेके हमको यहाँ पर कोट करना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसको आगे डिस्क्लोजर्स में भी हमको लेना पड़ सकता है। अब आते हैं 5J, ये क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर GST, जो 5J है। अब इसके अंदर कौन कौन से क्रेडिट नोट्स आएंगे, सेक्शन 34 के हिसाब से जो भी नॉन परमिसिबल है वो अपने को देखना है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स हमको साइड में करना है, और फिर उस हिसाब से ही इसका यहाँ पर मालूमात देनी है। अब आते हैं टेबल नंबर 5K, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ टू DTA, ये स्पेशल है केस, यहाँ पर जिन जिन के केस में होगा कि SEZ ने सप्लाई किया है DTA वाले को, तो ही यहाँ पर देना है और ध्यान से दे देना चाहिए, बहुत कम लोगों के केस में आएगा, स्पेसिफिक केसेस के अंदर ही ये यूज होगा। नेक्स्ट इज 5L, टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन, ये उसी के केस में आएगा जो पहले कंपोजिशन में था बाद में नॉर्मल डीलर हो गया, यानी मार्च 2018 को ये नॉर्मल डीलर में कन्वर्ट हो गया, तो ये बहुत क्लिष्ट हो जाएगा यहाँ पर देना, क्योंकि इसके केस में कितने रिटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे, कंपोजिशन का GSTR 4, उसका एनुअल रिटर्न 9A, फिर नॉर्मल डीलर होने के बाद में 3B, फिर GSTR 1, फिर उसका 9, और इन सब को टोटल करके बनेगा आपका 9C। ये पहले बंदा परेशान है कंपोजिशन से, कैसे तो भी निकला बाहर, नॉर्मल डीलर बनता है, और उसका जो ऑडिटर रहेगा उसको भी बड़ी परेशानी है, तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि वो बंदे की हालत पहले खस्ता थी, कैसे तो भी वो GST में आया कंपोजिशन में नॉर्मल डीलर बना, और अब उसका ऑडिट करना है 5 रिटर्न चेक करके, तो इसका रिकंसिलेशन बनाना है, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा।
क्योंकि 12 महीने में से 3 महीने निकालो साइड में, फिर कंपोजिशन साइड में निकालो, बच गया वो नॉर्मल डीलर, और फिर उसका ऑडिट करो। अब 5M इट्स एडजस्टमेंट इन द टर्नओवर, ये बड़ा खास सेक्शन है और ये 5M इज लिंक विथ सेक्शन 15 एंड द रूल्स। ये जो सेक्शन 15 को लिंक किया है, इसका स्पेसिफिक यूज क्या है कि जो सप्लाई है उसके अंदर क्या क्या ऐड होता है वो वैल्यू यहाँ पर देना है। जैसा मेरा सेल्स है वो P&L को आ गया है, पर अब कई बार इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। अगर मैंने लेट पेमेंट हो गया उसका मैंने इंटरेस्ट वसूला, तो मैंने इसको अदर इनकम में डाला होगा, 5A में अगर नहीं लिया तो उसको मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा। और भी अगर कोई मैं रिलेटेड पार्टीज को बेचता हूँ पर सेक्शन 15 के हिसाब से मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करता हूँ, तो फिर वो भी वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी। प्योर एजेंसीज के केसेस में यहाँ पर वैल्यू ऐड होगी। तो मोर स्पेसिफिक इट इज सेक्शन 15 एडजस्टमेंट, वो अपने को यहाँ पर लेना है। नेक्स्ट रो इज 5N, ये एडजस्टमेंट होगी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की। P&L के अंदर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर आया होगा प्रॉफिट लॉस एंड गेन, तो वो यहाँ पर अपने को 5N में लेना है। और इसको GST का इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इम्पोर्ट्स करते होकर कस्टम वैल्यूएशन के हिसाब से हमने IGST पे किया होगा इम्पोर्ट में। एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो GST नहीं लगा होगा, अगर LUT में किया होगा तो जो भी एक्सचेंज का डिफरेंस है उसको यहाँ पर प्लस माइनस हमको करना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के केस में, और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह हमने यहाँ पर दे देना चाहिए। अब लास्ट है 5O, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ओपन कर दिया उन्होंने कि आप यहाँ पर डिफरेंसेस डालो। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स असेट्स का सेल, जो ऊपर नहीं आया ना 5A में आया ना नीचे आया, तो जहां जहां कैपिटल असेट्स का सेल होगा वो 5O में जरूर दिखेगा। अब 5O में क्या क्या आ सकता है, जो सप्लाई ट्रीट होता है GST के लिए पर वो P&L में नहीं आया, इनकम में नहीं आया, या कोई ऐसा टर्नओवर जो सप्लाई हमको अभी मालूम पड़ा, यानी ऑडिट करते वक्त मालूम पड़ा कि अरे ये रह गया, जो एनुअल रिटर्न में भी नहीं आया, 3B में भी नहीं गया, और आज मालूम पड़ता है ऑडिट करते वक्त, तो वो यहाँ पर 5O में आएंगे। उसके एग्जांपल्स भी है, इलस्ट्रेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फ्री सैंपल सप्लाई किया, इसके ऊपर GST भरा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। नोटिस प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो P&L में नहीं आया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। गिफ्ट्स है उसके ऊपर टैक्स अगर आता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, कुछ रीइंबर्समेंट है आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस में ही कम किए हैं वो यहाँ आ जाएंगे। GST ऑन कैपिटल गुड्स का सेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई जैसे ब्रांच ट्रांसफर है वो यहाँ पर दिखेंगे। और आखिर में दिया है एनी अदर अमाउंट, और भी कुछ अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिकंसिलेशन करने को राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा, कुछ भी करके टैली करना है तो यहाँ ठूसना नहीं है, क्योंकि इसका आगे रीजन देना पड़ेगा कि ये कैसे रिकंसाइल हुआ है, क्यों ये 9 में हमने बताया नहीं बताया। तो थोड़ा ध्यान से ये टेबल 15O रो 5O भरना है, और इसका इलस्ट्रेशन के हिसाब से अपने को ध्यान में रखना है। अब आखिर में जो ये 5P और 5Q है ये सम अप कर देगा टेबल नंबर 5 को। तो ये GST का जो एनुअल रिटर्न गया है वहाँ से ये एनुअल टर्नओवर आपका उठा लेगा, और जो ये अपना Q आया है वो वहाँ पर शो होएगा। तो ये 5P और 5Q यहाँ पर ये रिकंसिलेशन हो जाएगा कि ये अपनी सही फिगर आई है क्या नहीं आई है। तो ये जो टेबल नंबर 5N है 10 एज पर एनुअल रिटर्न, वो यहाँ पर डिक्लेयर होगी 5Q के अंदर, और ये जो भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एनुअल रिटर्न का बनेगा। अब इन शॉर्ट क्या हो गया, ये जो टेबल नंबर 5 है ये ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलेशन हो गया। अब यहाँ पर ये ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलेशन हो गया मतलब क्या हुआ, इसके अंदर टैक्सेबल भी आ गए, एग्जम सप्लाई भी आ गए, P&L वाले भी हमने ले लिए, बैलेंस शीट वाले भी आइटम ले लिए, सारे आइटम लेके हमने ये टेबल नंबर 5 बनाया,
और फिर इसके बाद में अगर कोई अनरिकनसाइल रहता है तो उसके नोट्स देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अनरिकनसाइल अगर रहता है तो यू हैव टू गिव इन रीजंस इन टेबल नंबर 6 कि ये टर्नओवर के अंदर हमारा क्यों डिफरेंस आ रहा है और क्या रीजन है उसका। तो इम्पैक्ट होगा आगे इसके टैक्सेबिलिटी पे भी, तो उसको और भी ध्यान से देना है, और अगर ये टैली होता है देन इट इज अ गुड जॉब। अब आते टेबल 5 के बाद में अपना टेबल नंबर 6। अब ये जो टेबल नंबर 6 है इसमें रिकंसिलेशन आएंगे और उसके डिफरेंसेस अगर होंगे तो यहाँ पे रीजन देना है, और अगर ये रिकंसाइल्ड प्रॉपरली हो गया तो आपका बहुत सा काम हो गया है। अब यहाँ पर 9C और 9 के जो भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पर रीजन देने हैं, और ये रीजन इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी थोड़ा बहुत छूट गया तो सीधा सीधा टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो प्लीज़ गिव प्रॉपर रीजंस फॉर दिस रिकंसिलेशंस, और यहाँ पर इसको नोट्स में भी कवर अप करना जरूरी है कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि आगे इसको जस्टिफाइबल भी होना चाहिए, क्लाइंट को भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए रीजंस। अब आते हैं अपन टेबल नंबर 7। ये जो टेबल नंबर 7 है ये शुरू होता है वर्डिंग रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर। जो टेबल नंबर 5 था ये ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलेशन था, अब टेबल नंबर 7 क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन। मतलब क्या हुआ, ग्रॉस टर्नओवर में से हमको एग्जम्प्ट नील रेटेड सप्लाईज माइनस करने के तो मेरा टैक्सेबल टर्नओवर निकल जाएगा जिसके बेसिस पे हमने GST भरा है। तो व्हाट इज मीन बाय टैक्सेबल टर्नओवर एंड व्हाट इज मीन बाय एग्जम्प्ट, तो ये एक एक करके जब हम रो देखेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि ये कौन कौन से इसमें लेना है। अब टेबल का 7B देखो, 7B में क्या दिखा है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड नील रेटेड नॉन GST सप्लाईज नो सप्लाईज टर्नओवर, ये अपने को नया डालना है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि 3B में हमने कई बार डाला होगा नहीं डाला होगा, पर एनुअल रिटर्न के टाइम तो हमने इसको कंसिडर किया ही होगा, तो वो हमको यहाँ पर लेना है। और इसमें जो भी फिगर डालेंगे ये आगे चल के अपने को पूछा जाएगा कि ये इसके ऊपर GST क्यों नहीं लगता, तो शेड्यूल एंट्री चेक कर लेना चाहिए, उसके वर्डिंग्स चेक कर लेना चाहिए, उसका कैरेक्टर चेक कर लेना चाहिए, फिर ही अपने को यहाँ पर वो फिगर डालनी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय नील रेटेड, नील रेटेड मतलब जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो है वो नील है, जैसे सप्लाई ऑफ सपोर्ट सर्विसेज यानी जो अपना एग्रीकल्चर है फॉरेस्ट्री है फिशिंग है जो नील रेटेड में जाएगा। फिर नॉन GST सप्लाईज, नॉन GST सप्लाईज मतलब क्या, नो टैक्सेबल अंडर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, जैसे अल्कोहल हो गया, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो है जैसा पेट्रोल पंप के केस में नॉन GST सप्लाईज पेट्रोल का सेल जो है वो यहाँ पर आएगा। अब एग्जम्प्टेड सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज मतलब क्या है, इसके नोटिफिकेशन इशू हुए होंगे जैसा एजुकेशनल सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज, ये एग्जाम सप्लाईज में है वो यहाँ आएंगे। और नो सप्लाई, नो सप्लाई ये शेड्यूल 3 से थोड़ा देख लेना पड़ेगा, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लैंड और बिल्डिंग का सेल, जैसा मेरा सिक्योरिटीज का कोई सेल है वो यहाँ पर आएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर लैंड सेल हुआ है बिल्डिंग सेल हुआ है तो मेरा वो उधर दिखा है 5O में मैंने ऐड किया, अब इसको 7B के अंदर से वापस इसको माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरे को इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, तो मेरे को टैक्सेबल टर्नओवर निकालना है। तो ये थोड़ा ध्यान से करें। फिर टेबल नंबर 7C, ये जो रो है इसमें जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले एक्सपोर्ट्स, क्योंकि विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो है ये टैक्सेबल टर्नओवर में चले जाएंगे, पर ये 7C जो है ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चेक कर ले, GSTR 1 से भी देख ले, एनुअल रिटर्न के अंदर भी हमने इसको टेबल नंबर 5 में डाला हुआ है 5P में, उससे भी इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए और वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आएंगे और फिर वो हिसाब से हमको इसको आगे लेना चाहिए।
नेक्स्ट है 7D. 7D के जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है. सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. रेसिपिएंट मतलब सामने वाला भरने वाला है. तो मैं GTA का ऑडिट कर रहा हूँ, यानी आई एम अ GTA, टैक्स कौन भरने वाला है? सामने वाला. तो वो यहाँ पर आएगा 7D, क्योंकि मेरे लिए वो एग्जाम सप्लाई है, सामने वाले के लिए ये टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज के अंदर. और ये एनुअल रिटर्न के अंदर भी हमने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेबल नंबर 5 के अंदर. वहाँ से फिर हमको इसको क्रॉस चेक करना है. और इसको इम्पोर्टेंट ये है कि GSTR 1 में भी इसको डिस्क्लोज किया होगा, 9(3) है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, उससे भी हमको क्रॉस चेक कर लेना है. और ये भी देखना जरूरी है कि जो इनवॉइसेस इशू किए थे उसके ऊपर डिक्लेरेशन है क्या नहीं रूल 46 वाला, तो ये भी ध्यान से देख ले. अगर नहीं है तो फिर अपने ऑडिट रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे कि इसके ऊपर टैक्स टू बी पेड बाय अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट ये डाला नहीं है वर्डिंग. तो ये थोड़ा ध्यान से 7D के फिगर यहाँ लेना चाहिए और वो हिसाब से इसका डिस्क्लोजर अपन ने देख लेना चाहिए. अगर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज है तो नोट्स में कवर अप करें. अब आखिर में क्या आ गया, 7E एंड 7F की रो. ये हो गई टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट जो अपना हुआ वो, और ये नए F आएगा एज पर GSTR 9. तो ये जो GSTR 9 का टर्नओवर आ जाएगा ये टैक्सेबल टर्नओवर कवर अप करेगा एज पर आवर 9 और 9C के हिसाब से. अब इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो भी टर्नओवर यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है ये प्रॉपर रिकनसाइल मस्ट है. अगर यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंसेस रहा मतलब आगे GST की लाइबिलिटी आने वाली है. टेबल नंबर 6 के अंदर रिकनसिलेशन आता है, हो सकता है वो एग्जम्प्ट वाला होगा. अब टेबल नंबर 7 में अपन ने क्या निकाल दिया बाहर, सारे एग्जम्प्ट वाले निकाल दिए, तो अब बच क्या गया, टैक्सेबल. तो ये टैक्सेबल जो है ये यहाँ पर जीरो ही चाहिए डिफरेंस. तो समझ जाना आपका एनुअल रिटर्न भी सही गया है और आपका जो GST का 9C जा रहा है ये भी करेक्ट जा रहा है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान देवे कि GSTR 9, क्योंकि ये 4N-4G प्लस 10-11 यानी 17-18 का टर्नओवर प्लस 18-19 में जो बताया है GSTR 9, वो दोनों को ऐड करेगा, यहाँ पर फिगर उठा लेगा और यहाँ पर वो चेक करेगा कि टैक्सेबल से अपना टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अपने को ये ध्यान से देखना है. फिर ये जो भी ई दिया गया है इसमें कोई एडजस्टमेंट्स है उसके नोट्स वगैरह प्रॉपर कंसिडर कर ले, सेपरेट डिस्क्लोजर दे दे, क्योंकि आगे फिर इसको रेट वाइज देना पड़ने वाला है अपने को. अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो वो 5% वाला है, 12% वाला है, क्या 8% वाला है, क्या 28% वाला है, ये सब चीज़ें आने वाली है. तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना जरूरी है और वो हिसाब से ही यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा. और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है इसको ध्यान से दे. नेक्स्ट फिर अब जो भी हमारे ये एडजस्टमेंट्स आने वाली है इसको आउटवर्ड इनवर्ड RCM 9(3) 9(4) चेक करके ही यहाँ पर हमको डिस्क्लोज करना. फिर आते हैं टेबल नंबर 8, यहाँ पर देना है अनरिकनसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर और ये एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. और यहाँ पर जो फिगर आ गई ना वो टेबल नंबर 14 में भी देना पड़ेगा कि पे एडिशनल टैक्स. यानी हम यहाँ बोल रहे हैं कि एनुअल रिटर्न में कम गया टैक्सेबल टर्नओवर, GST ऑडिट में ज़्यादा है तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, तो यहाँ से फिगर उठ के 14 में भी जाएगी आगे. अगर यहाँ पर कम आ रही है कि हम बोल रहे हैं ऑडिट में कम है एनुअल रिटर्न में ज़्यादा है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल इज टेबल नंबर 8 और अगर ये जीरो है तो फिर आपका काम हो गया. ये जो टेबल नंबर 9 है इसको हमको ध्यान से फीड करना है क्योंकि टेबल नंबर 9 इज रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स. क्या रिकन्सिलेशन है टैक्स का? पहले हमने ग्रॉस का रिकन्सिलेशन किया टेबल नंबर 5 के अंदर, फिर बाद में टेबल नंबर 7 के अंदर टैक्सेबल का रिकन्सिलेशन किया, अब टेबल नंबर 9 के अंदर टैक्स पेड का रिकन्सिलेशन है. और ये जो है टैक्स पेड ये 17-18 में पे किया होगा, 18-19 में भी पे किया होगा, वो सारा मिलकर यहाँ पर आएगा और इसके अंदर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको अपने को रेट वाइज डिस्क्लोज करना है, इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी सेस वगैरह जो भी है, CGST AGST IGST ये पूरा डिस्क्लोज करना है, और ये ऑटो पॉपुलेटेड भी हो जाएगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्टली आई है फिगर या नहीं आई है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्सेबल वैल्यू ये मैनुअल पंचिंग करनी पड़ने वाली है। टैक्स को हम कोई चेंज नहीं कर पाने वाले, पर अपने को टैक्सेबल वैल्यू का जो कॉलम है वो थोड़ा मैनुअल पंचिंग है, वो ध्यान देना है। और अगर ये रिकनसाइल हो गया तो इसका मतलब योर ऑडिट रिपोर्ट इज ओके, योर टैक्सेबल टर्नओवर इज टेलिंग, योर टैक्स पेड इज टेलिंग, ये बहुत अच्छा हो गया। पर एज अ ऑडिटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहेगा, वो है इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, हाउ एन ऑडिटर इज गोइंग टू क्वान्टिफाई, क्योंकि ग्रॉस पे भरना है क्या नेट पे भरना है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं कि नेट पे ग्रॉस पे करो, हम ये बोलते हैं कि नेट पे करो, फिर कई क्लाइंट्स ने ये भरा भी नहीं है, लेट रिटर्न्स गए हुए हैं, वो बोलते हैं कि टेक्निकल रीज़न था लेट रिटर्न जाने का, हमको इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। तो जो भी लेखा जोखा रहेगा इंटरेस्ट के ऊपर वो अपने को क्वान्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो हर ऑडिट रिपोर्ट में, मैक्सिमम ऑडिट रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट के लायबिलिटी के ऊपर डिस्क्लोजर आ जाएंगे ऐसा हमको लगता है। और यहाँ पर ग्रॉस में निकालना पड़ेगा, नेट पे भरा है तो नेट लिखेंगे, पर यहाँ पर डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। तो टेबल नंबर 9 में पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहे हैं। और उसमें एनुअल डेटा देना है, ये वैल्यूएशन डालना है, पर वो वैल्यूएशन कैसे डालना है, रेट वाइज 5 वाला कितना, 12 वाला कितना, 18 वाला कितना, तो ये ठीक से डाले, क्योंकि अगर ये वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो आगे टैक्स का तो कॉलम वो और चेंज नहीं करने देगा, बाद में कुछ इशू निकालेगा कि वो टैली नहीं हो रहा है, तो मैन्युअली टैली कर ले कि 5% के अगेंस्ट वो वैल्यू करेक्ट डाली या नहीं डाली हमने। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो भी डिफरेंसेस रहेंगे वो टेबल नंबर 10 में हमको देना है, और अगर कोई पेमेंट आता है तो वो टेबल नंबर 11 में एडिशनल अमाउंट पेएबल बट नॉट पेड, यानी एनी अमाउंट विच इज पेएबल ड्यू टू रीजन ऑफ अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर, यानी ऑडिट के अंदर अगर कुछ मिलता है वो 9C के अंदर यहाँ पर टेबल नंबर 11 के अंदर हम शो करेंगे, जिसमें टैक्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया, लेट फी आ गई, पेनल्टी आ गई, और जो हम ऑडिट में पे कर रहे हैं DRC 03 से पे करना पड़ेगा, वो हमको यहाँ पर लेना है टेबल नंबर 11 के अंदर, एडिशनल अमाउंट पेएबल बट नॉट पेड, तो ये बाद में DRC 03 से पे होएगा। तो अब अगर हम पूरा देखते हैं तो क्या देखना पड़ेगा, टेबल नंबर 6 यहाँ तक आए अपन, ग्रॉस टर्नओवर रिकनसाइल किया, फिर टेबल नंबर 8 तक आए, यहाँ पर टैक्सेबल और एग्जम टर्नओवर को हमने चेक किया, और जो टेबल नंबर 10 तक आए तो इसमें टैक्स पेड और पेबल के अंदर हमने चेक किया। तो फ्लो ऑफ ऑडिट 9C के जो टेबल्स है उसमें ग्रॉस, ग्रॉस टू टैक्सेबल एंड टैक्सेबल टू टैक्स, ये यहाँ तक अपन आए। अब सही हम जा रहे हैं जो इसमें आएगा वो है ITC का, यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है GST ऑडिटर का, वो अब शुरू हो रहा है, वो है ITC का रिकंसिलेशन। ये जो अपना टेबल नंबर 12 है उसकी शुरुआत ही यहाँ होने वाली है ऊपर के हेडिंग से। तो टेबल नंबर 12 में क्या हेडिंग है, ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसके अंदर करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, जहाँ पर ITC के लेजर्स गए हैं, वो ITC के लेजर्स में कितना अवेल्ड किया है, कितना रिवर्सल किया है और कितना नेट ITC आपने यूज़ किया है, वो फिगर यहाँ पर देनी है। तो ये सही काम है ऑडिटर का, और ये जो फिगर देने हैं इसके अंदर GST नंबर अपना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी फिगर आने वाले हैं वो, तो अलग अलग क्लाइंट्स के पास में अलग अलग लेजर सिस्टम होगी। किसी के पास में टैक्स रेट वाइज ITC लेजर होंगे, किसी के पास में एक ही ITC लेजर होगा जिसमें वो IGST CGST AGST डालता होगा, किसी के पास में अलग अलग होगा, किसी के पास में
आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स भी उसी में, इनवर्ड सप्लाई का भी उसी में, और मिक्स करके वो रिटर्न बनाया होगा। तो बुक्स को रिकंसाइल करना है, बुक्स में आईटीसी कितना है वो लेना है। दैट डजंट मीन्स योर 3B, 3B से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ये बैलेंस शीट में क्या आया है, P&L में तुम्हारा क्या गया है, वो फिगर्स को अपने को यहाँ देखना है। अब ये जो फिगर्स अपन डालेंगे तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि GST के हिसाब से जाना चाहिए, सेक्शन 16 का यहाँ पे कंप्लायंस होना चाहिए। तो एज अ ऑडिटर ये रजिस्टर्ड पर्सन को ITC क्यों मिलना चाहिए वो भी हमको देखना है, कि उसके पास टैक्स इनवॉइस है क्या, उसके ऊपर उसका GST नंबर है क्या, उसको गुड्स रिसीव्ड हो गए है क्या, एक्चुअली पेमेंट हुआ क्या नहीं, 39 के हिसाब से रिटर्न गए क्या नहीं, फिर ब्लॉक क्रेडिट, क्रेडिट रिवर्सर 42, 43, ये सब करना है। और ये सब कहाँ करना है, वर्किंग नोट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर मांगी गई है वो कौन सी फिगर मांगी गई है, नेट। व्हाट इज द वर्ड नेट, नेट मतलब क्या हुआ कि जो भी ITC है उसमें से रिवर्सल जाके, ब्लॉक क्रेडिट का जाके जो बच गया वही यहाँ पर लेना है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरा 10 लाख का ITC है, बुक्स के अंदर वो 10 लाख ITC आ गया। अब जब मैंने एनुअल रिटर्न भरा तो मैंने 10 लाख का ITC क्लेम किया था, पर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 1 लाख का ITC मुझे नहीं मिलता, तो मैंने 18-19 में 1 लाख का रिवर्सल कर दिया। तो क्या एग्जांपल आ गया अपना, 10 लाख एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर 10 लाख एज पर 17-18 का 3B, पर 1 लाख का रिवर्सल कहाँ है, 18-19। तो मेरा टेबल नंबर 7 में कितना जाने वाला है, 9 के अंदर 10 लाख। फिर मैंने 1 लाख रिवर्सल कब किया, 18-19 में, तो वो रो नंबर 13 में गया, रिवर्सल के अंदर काय में, 9 के अंदर। तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ मेरा, 10 माइनस 1 लाख, तो मैंने 9 लाख का करेक्ट ITC ले लिया। पर अब ये 1 लाख मैंने कब रिवर्सल किया, 18-19 में, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कब मारी मैंने, मान लो मैंने उसको 18-19 में मारी है, तो व्हाट इज माय बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 17-18, 17-18 में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट 10 लाख ही बताते। और ये जो टेबल है, ये टेबल आखिरी में जो फिगर उठाता है ITC की, ये टेबल नंबर 7 से उठा रहा है। तो टेबल नंबर 7 मतलब क्या हो गया, 9 का, तो 9 का 6 क्या है अपना ग्रॉस, 9 का 7 क्या है रिवर्सल, 17-18 का रिवर्सल, फिर जो नेट बचेगा वो क्या हो गया मेरा, 17-18 का ITC, वो फिगर वो यहाँ पर लेता है और बुक से चेक करना है। अब यहाँ पर डिबेट ये होती है कि मैं 9 लाख यहाँ पर बताऊंगा या 10 लाख बताऊंगा, क्योंकि 17-18 के बुक्स में मैंने 1 लाख रिवर्सल की एंट्री नहीं मारी, मैंने कब मारी, 18-19 में। तो ये एक डिबेट है, और यही एक पॉइंट है कि यहाँ पर 10 लाख रुपया आएगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये यहाँ पर चेक करना है कि बुक्स में कितना लिया है वो हिसाब से यहाँ पर लेना है। और ये जब हम करेंगे तो पूरा ध्यान से करना है, क्योंकि एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर लिया है। फिर आते हैं 12B रो नंबर, इसमें क्या दिया है, ITC बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या हुआ, अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में बुक किया है, पर क्लेम कब किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड ट्रांजेक्शनल क्रेडिट, यानी ट्रांस वन वाले, इसमें ट्रांस वन अपन ने भरा है, उसमें हमने जुलाई में ट्रांस वन भरा है, उसमें अगर मार्च 18, फेब्रुवरी 17, मार्च 17, फेब्रुवरी 17 का कोई है, यानी पिछले साल का, तो वो यहाँ पर फिगर आएगी। तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ट्रांस वन चेक करके और ट्रांस टू चेक करके इसमें क्लेम लेना चाहिए, और उस हिसाब से ही यहाँ पर इफेक्ट लेना चाहिए। फिर जो ये 12B का रो है, इसके अंदर वैट वाला कोई होगा तो MVAT के अंदर कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट्स या परचेजेस फ्रॉम मेगा यूनिट्स, इसमें सेल के ऊपर ITC मिलता था, तो वो अगर कोई है 52A का सेक्शन का इम्पैक्ट, तो वो यहाँ पर लेना चाहिए।
अब 12C रो के ऊपर आते हैं। व्हाट इज 12C रो? आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड इज दिस। व्हाट इज दैट वर्ड? मैंने बुक किया है करंट में, पर क्लेम कब कर रहा हूं? नेक्स्ट ईयर में। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सामने वाले ने मेरे को सेल किया है 31 मार्च को, तो वो मैंने बुक कर लिया मेरे प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, पर मेरे को गुड्स कब रिसीव हुए? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो मैंने आईटीसी कब लिया? नेक्स्ट। बुकिंग भले ही मेरी हो गई 17-18 में, पर आईटीसी कब लिया मैंने? 18-19 में। तो ऐसे फिगर यहाँ लेने, यहाँ वो फिगर नहीं लेना है जो टेबल नंबर 12 और 13 में हमने एनुअल रिटर्न के टाइम बताई कि 17-18 का आईटीसी मैंने 18-19 में लिया है, वो फिगर नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने बुक्स में तो उसकी एंट्री लीच है। जो भी मैंने आईटीसी 18-19 में लिया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो वो फिगर मैंने लिया ही होगा, पर यहाँ पर कौन सी आने वाली है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने ले ली, पर मुझे आईटीसी कब मिलता है? 18-19 में। तो ये थोड़ा ध्यान से अपने को करना है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लेना चाहिए जुलाई से लेके मार्च 18 पूरा आईटीसी का वर्किंग भी कर लेना चाहिए। इसमें अलाउंस डिस अलाउंस चेक करके ही ये नेट फिगर अपने को यहाँ पर शो करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रो पे, डी एंड ई। ये जो रोज है आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन द ईयर, फिर आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न, यानी अब हमारा ये नेट इम्पैक्ट आ गया, बुक्स का आईटीसी एंड 9 का आईटीसी। अब ये जो 9 का आईटीसी है ये टेबल नंबर 7J से उठाने वाला है, वो नेट यूटिलाइजेशन उठाएगा, और हमको भी ऑडिटर को यहाँ मैनुअल पंचिंग करना है। अब मैनुअली ये फिगर आपको रेडीमेड नहीं मिलेगी, जो भी टैली है, जो भी SAP है, जिसमें भी हमने ये आईटीसी की बुकिंग करी है, उसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ग्रॉस आईटीसी बुक्स का, फिर रिवर्सल नेट आईटीसी बुक्स का, वो फिगर यहाँ लेना है। हो सकता है ये 3B से टैली नहीं होगी आपकी, पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट से लेना है। और सबसे मेन जो इसके अंदर आएगा वो ये होगा कि हमको ये रिकंसाइल कर इसको आगे क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर रिकंसिलेशन। यहाँ भगवान भी बचाने नहीं आएगा अनरिकंसाइल अगर हो गया तो, बिकॉज यू कैन नॉट क्लेम दैट आईटीसी इन योर ऑडिट। वॉट एवर आईटीसी वॉज रिक्वायर्ड टू बी क्लेम, वो क्लेम कर लेना चाहिए था 3B में ही 18-19 के, ना एनुअल रिटर्न में आईटीसी क्लेम करते आएगा ना ऑडिट में क्लेम करते आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ अनरिकंसाइल रहता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर ज़्यादा लिया है तो रिवर्सल करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये टेबल नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका जो टेबल नंबर 13 है वो रीजंस के अंदर आ रहे हैं। अब रीजंस, आईटीसी क्यों अनरिकंसाइल रह गया, जैसा गुड्स इन ट्रांजिट के वजह से रह गया, या और क्या रीजंस है वो आपको यहाँ पर देना है, या रिवर्सल का इशू था, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकती है, तो वो भी अपने को यहाँ मेंशन करना जरूरी है, और रीजन वाइज यहाँ पर देना है 13। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिट, ये जो प्रोसीजर है टेबल नंबर 14, दैट इज द की ऑफ GST ऑडिट 9C। ये जो इंफॉर्मेशन है ये रेडीमेड नहीं मिलने वाली, ना तो 3B से मिलेगी ना एनुअल रिटर्न से मिलेगी। व्हाट इज दैट टेबल नंबर 14? टेबल नंबर 14 इज रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न विद आईटीसी अवेल्ड ऑन एक्सपेंसेस एज पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय एनुअल रिटर्न, एंड व्हाट इज मीन बाय आईटीसी, इसका पूरा लेखा जोखा अपन देखेंगे। तो ये जो टेबल नंबर 14 है इसमें आपको मिलेगा अलग 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 लेजर्स, जैसे पहले दिया है परचेजेस, परचेजेस का वैल्यू, फिर उसके ऊपर आईटीसी, और लास्ट कॉलम क्या है? इलिजिबल आईटीसी। मतलब क्या हुआ
मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें मैंने रॉ मटेरियल कितना बताया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बताए, फ्रेट कितना है, रेंट कितना है, सेल्स एंड प्रमोशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, 17 सबसेक्शन 5 के ब्लॉक क्रेडिट कितने हैं वो यहाँ देना है, फिर कैपिटल असेट्स के परचेजेस वो यहाँ पर देना है। अगर इसको पूरा अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया कि जितके जिसके ऊपर मैंने ITC लिया था वो मैंने मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कौन से लेजर को हिट किया वो आइटम, वो लेजर का डिस्क्रिप्शन यहाँ देना है। अब किसी ने फ्यूल में डाला, किसने रेंट में डाला, किसी ने अदर एक्सपेंसेस में उसको डाला होगा तो यहाँ पर वो स्पेसिफिकली देना है, और अगर और भी थोड़ी कोई बच गए होंगे तो नीचे भी रो ऐड करने को दिया है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकंसिलेशन ऑफ ITC। और ये कैसे मिलेगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ही मिलेगा। और यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि ग्रॉस परचेजेस पूरे बता दूँ, जैसे मैंने रजिस्टर्ड डीलर से परचेजेस किया, ठीक है, मैंने वो कंपोजिशन डीलर वाले से परचेस किया, मेरे को ITC मिलने वाला है क्या, नहीं। अब वो भी फिगर मैं यहाँ बताऊँ क्या, और मैंने एक रजिस्टर्ड वाले से लिया हूँ सेल ऑफिस स्टेशनरी, उसके ऊपर मुझे ITC मिलता है, मान लो मैंने 10,000 के बुक्स परचेस किए ऑफिस के लिए और उसके ऊपर ITC मुझको 1200 रुपये है तो मैं 10,000 और 1200 रुपये ले लूँगा। पर अगर मैंने और 2,000 रुपये के कंपोजिशन वालों से लाए तो मेरे परचेजेस हो गए 12,000 के, पर मेरा ITC कितना है 1200। तो अब मैं कौन सी फिगर यहाँ बताना, 12,000 यहाँ बताना, ITC 1200 बताना और आगे एलिजिबल में 1200। तो अब ये गाइडेंस ऐसा आया है कि यहाँ पर टोटल फिगर ऑफ परचेजेस बता दो, फिर जो ITC की फिगर है वो बता दो। पर होना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि ये डिस्क्लोजर पे नोट्स आ जाएंगे और जिसके ऊपर ITC लिया है वही फिगर यहाँ आएगी। और आखिर में तो ये लेजर वाइज अगर हम नहीं दे पाए तो सारे के सारे मेरे परचेजेस हैं तो ऊपर के रो के अंदर ये ऐड होने के चांसेस है। तो ये जो टेबल है इसका क्लासिफिकेशन ठीक से देख लेना चाहिए। सबसे मेन जो है वो है रो एफ के अंदर जो आइटम मांगे हैं वो सब ब्लॉक क्रेडिट के, यहाँ पर कोई भी अमाउंट अगर आती है तो वो डिसअलो होने वाली है। क्या है वो रो एफ के अंदर, वो है तुम्हारा फूड डैमेजेस वगैरह, उसका 17 सबसेक्शन 5 का। तो इसके ऊपर क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता है ये देख लेना चाहिए, और फिर ये टेबल नंबर 14 को देखना चाहिए। फिर आते हैं हम टेबल नंबर 15, जो अनरिकनसाइल्ड ITC है। ये अनरिकनसाइल्ड ITC बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो भी डिफरेंस रह गई वो बुक्स की और अपनी फाइनल ITC क्लेम की रह गई, तो ये टैली होना चाहिए। अगर इसमें कोई डिफरेंसेस है, एक्सप्लेनेबल नहीं है, रिवर्सल का इम्पैक्ट है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी अपनी आने वाली है। और ये जो टेबल नंबर 16 है इसके अंदर फिर अपने को वो लायबिलिटी टैक्स रेट वाइज देना है कि कितना अमाउंट है, पेनल्टी वगैरह जो है वो सब यहाँ देना है। और आखिरी के अंदर आप देखते हैं जब हम पार्ट, तो यहाँ पर आ जाता है अपना रिकंसिलेशन का, और ये रिकंसिलेशन में जो भी टेबल नंबर 10-11 के अंदर टैक्स पेमेंट आया है, जो भी अपना आखिरी का टेबल नंबर 15 के अंदर ITC रिवर्सल आए हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट मिलाकर ये टेबल बनेगा ऑडिटर्स रिकमेंडेशंस का, वहाँ पर ये मालूमात देने की है। और ये जब मालूमात देंगे तो ये रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिटर है और ये आगे पे करने हैं, तो ये ध्यान से देना चाहिए क्योंकि इसको आगे क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उसका लुकआउट है। अब पार्ट बी के ऊपर आते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस 9C। ये थोड़ा ध्यान से भरे, अगर ये पार्ट बी के अंदर जो हमारा खुद का ऑडिट है कंपनी ऑडिट और उसी का हम आगे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक से भरे पार्ट वन के अंदर, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है इसको नीचे चेक कर ले। नीचे अपने को दिया गया है कि इसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशन डालने हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस है, क्या सजेशंस है, ये पूरा डालने के लिए नीचे जगह दी गई है। उसमें नोट्स के अंदर ये पूरा कवर अप करें, पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक से भरे, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, कमेंट्स है, डिस्क्रिपेंसीज है, इनकन्सिस्टेंसीज है वो डालना है।
अगर टैक्स पे इंपैक्ट करने वाला कोई है तो वो क्वालिफिकेशन का पार्ट बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, और सिर्फ टेक्निकल अगर है तो वो आपका कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के अंदर कवर हो सकता है। अब ये पार्ट बी जो टू है, ये अगर ऑडिटर कोई और है स्टेट्यूटरी और अपन जीएसटी ऑडिटर है तो उस केस में आएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पी एंड एल, ये सब अपने को अटैच करना है पार्ट बी के अंदर, तो वन हो या टू हो अपने को अटैच करना पड़ेगा। और फिर आखिरी के अंदर ये सब देख ले कि हमने ये प्रॉपरली ट्रू एंड करेक्ट डाला है, उसके ऑब्जर्वेशन सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं, और फिर वो हिसाब से ओपिनियन फॉर्म करके ही ये पार्ट को हमको क्लोज करना है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, कुछ लिमिटेशंस भी आने वाले हैं हमारे, इसके अंदर ऑडिटर को मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज होंगी तो वो हमको यहाँ पर वेरीफाई करके डालना जरूरी है, और ऑडिटर का सील बाद में 9C में अपने को लगाना है। ये डिजिटल DSC अपन लगाएंगे तो ये थोड़ा ध्यान से अपने को करना है। कुछ इसमें डिस्क्लोजर्स है जो नोट्स के अंदर आ जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे, तो ICAI की गाइडलाइंस भी है इसके अंदर, जो भी डीम सप्लाई है वगैरह, वो क्रेडिट नोट्स का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स है वो कंसिडर नहीं हुए, वो नोट्स के अंदर आ जाना चाहिए। फिर जो भी हमारा मल्टी स्टेट ट्रायल बैलेंस है या फुल स्टेट का ट्रायल बैलेंस है वो हमको यहाँ पर देना जरूरी है। फिर बाद में 2A और अपना रिकन्सिलेशन हुआ है नहीं हुआ है, कोई एडवांस रूलिंग का हमने यहाँ पर लिया है, हमने रिवर्स चार्ज के ऊपर पेमेंट कराया है कि नहीं कराया है, कितना पेमेंट नहीं किया है, वो नोट्स के अंदर कवर करना चाहिए। फिर बाद में जो अपने ITC है वो रिवर्स किया है कि नहीं किया है, कितना रिजेक्ट हुआ है ITC, वो नोट्स के अंदर क्वांटिफिकेशंस आ सकता है। और सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि 2A के अंदर जो फिगर आई है, मेरी जो फिगर है, ये इसमें जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी नोट्स आ सकते हैं कि क्लाइंट का ऐसा है कि कंफर्मेशन बेसिस पे उसको ITC मिलेगा, ये एक नोट इम्पॉर्टेंट है। ITC की भी नोट्स यहाँ पर हम ले सकते हैं 2A रिलेटेड। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे चेक करना चाहिए, रिटर्न्स, VAT, एक्साइज, सर्विस टैक्स, GST के रिकॉर्ड पे रखो, GSTN के भी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स पे रखो, जो क्रेडिट लेजर है, कैश लेजर है, लाइबिलिटी लेजर है, GSTN के ईवे बिल अभी नहीं है, अगले बार ये आएगा। फिर 2A आइस गेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के केस में आइस गेट का भी लॉगिन रहता है, वहाँ पे शिपिंग बिल के डिटेल्स मिलते हैं, वो भी अपन ने ले लेना चाहिए। फिर अगर कोई एडवांस रूलिंग क्लाइंट ने रेफर करी है तो उसका भी, और कुछ रेट्स भी आए थे जो चेंज हो गए थे 17-18 में, तो उसका HSN कोड वगैरह ये कर ले और इसके हिसाब से ये 9C क्लोज करे। अब कुछ इश्यूज है वो भी हम इसमें कवर अप कर लेंगे, जो आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज के इश्यूज है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं अब ऑडिट के अंदर कि मेरे को 9C में मिसलेस इनकम लेना है कि नहीं लेना है, व्हाट इज माय फर्स्ट इशू, P&L के अंदर मेरा सेल आ गया है, अब मेरा मिसलेस इनकम है, अदर इनकम है, मैंने उसको कहाँ बताना है, तो पहले तो आप 5A में बता दो, और अगर नहीं तो फिर उसको 5O में बता सकते हैं फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। फिर मैंने एडवांसेस ले ली है, उसके ऊपर GST भरा है, वो कहाँ बताऊँगा, तो एडवांसेस के लिए सेपरेट कॉलम है, ये बैलेंस शीट आइटम रहने वाला है, ये P&L में नहीं दिखेगा, तो ये अपन 5C के अंदर बता देंगे। फिर मेरे को डिस्काउंट्स ये कहाँ बताने हैं 9C के अंदर, तो 5F कॉलम दिया है, सेपरेट दिया है, GST का इम्पैक्ट आता है तो ही यहाँ पर अपने को शो करना है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स यहाँ पर शो नहीं होगी जहाँ पर टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है। फिर बाद में April 17 to June 17 का टर्नओवर स्पेसिफिकली यहाँ दिया है, वो अपन 5G के अंदर बता देंगे। फिर बाद में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जहाँ पर टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है वो कहाँ जाएगा, ये सब की सब टेबल नंबर 5J जो है जहाँ पर नॉट परमिसिबल अंडर GST है वहाँ जाएगा। फिर जो फिक्स असेट का सेल है वो हम कहाँ बताएंगे 9C के अंदर, तो ये 5O में जाएगा, यानी एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। फिर हाउ टू रिपोर्ट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन विच GST इज पेड इन 9C, ये 5O में जाएगा, क्योंकि रीइंबर्समेंट है
ये P&L को नहीं आया है, 5A में शो नहीं हुआ है, तो ये 5O में हम ऐड करेंगे। फिर ये जॉब वर्क वगैरह कुछ है तो जिसके ऊपर GST लेवी होता है, जो 5A में टर्नओवर का पार्ट नहीं बना है, तो ये कहाँ शो होगा, 5O के अंदर जाएगा। फिर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर्स होते हैं, 9C के अंदर आते हैं, तो ये टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7 में आना चाहिए और बाद में DRC 03 में होना चाहिए अगर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आती है तो। अब रिडक्शन आया है तो रिडक्शन भी यहीं पे जाएगा। अब इसका आगे रिफंड क्लेम करना है तो रिफंड क्लेम के लिए RFD 01 वगैरह आउटवर्ड सप्लाईज का भरना पड़ सकता है। फिर बाद में नॉन GST सप्लाई, सेल ऑफ लैंड, ये कहाँ जाएंगे, सेल ऑफ लैंड ये एग्जम्प्ट है, नॉन GST सप्लाई है, तो ये 7 के टेबल के अंदर रिपोर्ट करेंगे। फिर DRC 03 अगर ये हमारा आता है जो 9 के बेसिस पे भरा है, GSTR 9C भरने के पहले, यानी एनुअल रिटर्न भर दिया, बाद में DRC 03 भरा, तो 9C में कहाँ जाएगा, वो टेबल नंबर 9 के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न में वो शो नहीं होता, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। पर एनुअल यानी ऑडिट रिपोर्ट में अगर टर्नओवर आया है और बाद में DRC गया है तो वो यहाँ पर शो नहीं होता, पर एनुअल रिटर्न में बता दिया, बाद में DRC 03 भरा, अब हम GST ऑडिट कर रहे हैं 9C, तो वो टेबल नंबर 9 में आएगा। अब आउटवर्ड सप्लाईज की जो मिस्टेक्स है वो 9 से छूट गई, 9C में रेक्टिफाई कर सकते क्या, वो अपन कर सकते हैं। पर कौन सी रेक्टिफाई कर सकते हैं हम, एग्जम्प्ट और टैक्सेबल। अब B2B बताना था, B2C बता दिया, B2C बताना था, B2B बताना है, वो ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होने वाला, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जो डिस्क्लोजर है वो क्या है, टैक्सेबल, एग्जम और टैक्स के रेट वाइज टर्नओवर, वो इंटर B2B B2C वो यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पे है एडजस्टमेंट, वो एनुअल रिटर्न के अंदर है, वो वहीं पे करेक्शंस करना पड़ेगा अपने को। फिर जो ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, वहाँ टैक्स सेपरेटली अगर है तो आप इसको लो, नहीं तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर टैक्स सेपरेटली नहीं बताया है। अब ये 17-18 के कुछ अमेंडमेंट्स है जो 18-19 में किए हैं, तो वो 9C में कहाँ बताना है, वो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, जो भी है वो अपने को टेबल 5 के अंदर ही बताना है, 18-19 सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं। फिर ऑडिटर्स के रिकमेंडेशन है, ये लायबिलिटी बढ़ती है तो ये क्लाइंट को पे ही करना है क्या, तो ये ज़रूरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है, क्लाइंट उसको पे करे, नहीं तो असेसमेंट को आगे फेस करे। अब जो भी एडिशनल लाइबिलिटी आएगी 9C की, वो आगे पे करना है, DSCR 03 से ही पे करना पड़ेगा, और कैश में ही ये लाइबिलिटी अपने को आउटवर्ड सप्लाई की पे करना पड़ेगा। बंद करो।